पता है क्या दवा की दुकानें खुली रहेंगी कि बंद रहेंगी? देखिए, दो दिन का लॉकडाउन जी शासन ने घोषित किया है, तो दवा की फुटकर दुकानें तो खुली रहेंगी, होलसेल बाज़ार बंद रहेगा। और दवा की फुटकर दुकानों के लिए तो क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम यदि है, और मानवता को भी देखते हुए और आज की परिस्थिति को देखते हुए हम लोग दवा की फुटकर दुकानें खोलेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने थोड़ी सी हमें दिक्कतें जो आ रही है उसके वो हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जितने भी दवा के फुटकर व्यापारी हैं, जिनका काउंटर है, तो उनके यहाँ जो भी वर्कर काम करते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। कोई हंडिया से आ रहा है, कोई सोराहों से आ रहा है, कोई सैंसों से आ रहा है, तो ये सब बाहर से आते हैं। और हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने पास जारी कर दिया था तो इनको आने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन इस बार क्योंकि अगर 8 बजे के बाद भी दवा का फुटकर व्यापारी दुकान खोल रहा है तो कहीं कहीं पे ये दिक्कत आ रही है कि पुलिस द्वारा उनका चालान कर दिया जा रहा है और कहीं कहीं अभद्रता भी की जा रही है। तो ये हम चाहते हैं कि ना हो, और हम लोग तो खुद ही मानव सेवा के लिए लगे हैं, दिन रात अपनी जान पे खेल के हम लोग दवा व्यवसायी जनता की सेवा कर रहे हैं कि पैनिक ना बन पाए। और बस हमारा यही प्रयास है कि अगर शासन इसको मौखिक रूप से भी आदेशित कर देगा, चाहे वायरलेस के माध्यम से सारे थानों को सूचित कर दें कि जो भी हमारे कर्मचारी आ रहे हैं बाहर से तो उनको आने दें और उनको परेशान न करें, उनका चालान न करें, जिससे कि हम अपना व्यापार कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। नाम बताइए। मैं लालू मित्तल, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, प्रयाग केमिस्ट एसोसिएशन, फुटकर।